हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफार्मर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इंसुलेशन। तो अगर हम कोई ट्रांसफार्मर को देखें तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज एंड हाई करंट फ्लो होते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम ट्रांसफार्मर को टच करते हैं लाइव कंडीशन में तो हमें शॉक क्यों नहीं लगते हैं, या फिर जो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स होते हैं वो आपस में शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर में कोई फ्लैश ओवर, कुछ ट्रांसफार्मर के बॉडी में करंट सर्कुलेट क्यों नहीं होते हैं। तो द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज द इंसुलेशन। तो जो इंसुलेशन होते हैं ट्रांसफार्मर के, उसका हेल्दीनेस चेक करने के लिए हमें पीरियोडिक टेस्टिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक ट्रांसफार्मर में क्या क्या इंसुलेशन हो सकते हैं, तो सबसे जो पहला इंसुलेशन होते हैं ट्रांसफार्मर में, डेट इज पेपर इंसुलेशन। जो पेपर इंसुलेशन हमारे वाइंडिंग्स में रहते हैं, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स में। दूसरा इंसुलेशन होते हैं वो ऑयल। नेक्स्ट इंसुलेशन होते हैं पोर्सलिन के, जो बुशिंग होते हैं वो पोर्सलिन के होते हैं, तो वो भी इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट होते हैं पॉलीमर के, या फिर एयर इंसुलेशन हो सकते हैं। तो ये सारे इंसुलेशन होते हैं जिसके कारण जो भी मेरा लाइव पार्ट है वो मेरे जो बॉडी के या फिर हमारे कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट, अगर हम कोई इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं किसी ट्रांसफार्मर का, तो हम चेक क्या करना चाहते हैं, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ट्रांसफार्मर आईआर टेस्ट। तो सबसे पहला है कंडीशन ऑफ इंसुलेशन। तो जो भी ट्रांसफार्मर की जो हमने अभी इंसुलेशन के बारे में बात की, तो उसके कंडीशन कैसा है वो हम चेक करते हैं। सेकेंड क्या है, प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेन कंटामिनेंट इन ऑयल। अगर मेरे ऑयल में, ट्रांसफार्मर के ऑयल में कोई मॉइस्चर आ जाए या फिर कोई फॉरेन मटेरियल वहां पर आ जाए, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं आईआर टेस्ट करके। एंड नेक्स्ट इज ग्रॉस डिफेक्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर। अभी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन में या बुशिंग में कोई भी डिफेक्ट है तो हम आईआर टेस्ट से पता कर सकते हैं। अभी जब हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जब भी बात करते हैं तो एक और टर्म आता है, डेट इज पोलराइजेशन इंडेक्स। अभी ये क्या है, जब हम आईआर टेस्ट करते हैं किसी भी इक्विपमेंट या फिर ट्रांसफार्मर का, तो सपोज हम 5 kV वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं, तो जैसा ही हम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं इंजेक्शन का, सपोज 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो जो मेरा आईआर वैल्यू, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू है, वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करते हैं। तो जो हम आईआर वैल्यू 10 मिनट के लिए लें डिवाइडेड बाय द आईआर वैल्यू फॉर 1 मिनट, डेट इज कॉल्ड पोलराइजेशन इंडेक्स। सो द पोलराइजेशन इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर 10 मिनट टू द इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर 1 मिनट। अभी ये पोलराइजेशन इंडेक्स से हम बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर मेरा पोलराइजेशन इंडेक्स अगर मेरा 1 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इंसुलेशन का कंडीशन है वो वेट है। दिस मीन्स कि इंसुलेशन मेरे डिटोरिएट हो रहे हैं या फिर उसका जो कंडीशन है वो सही नहीं है। अगर मेरा पोलराइजेशन इंडेक्स 1 टू 1.1 आता है, दिस मीन्स इंसुलेशन का जो कंडीशन है वो पुअर है। लाइकवाइज अगर मेरा पोलराइजेशन इंडेक्स 1.1 से 1.25 के रेंज में आता है, देन वी कंसिडर डेट इंसुलेशन जो है वो मेरा फेयर इंसुलेशन है। एंड 1.25 से 2 में आता है देन गुड है, एंड अबव 2 आता है देन वेरी गुड है। तो जो भी मेरा पोलराइजेशन इंडेक्स है वो मेरा नॉर्मली 1.25 से 2 के रेंज में आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है 1.2 से अबव, डेट मीन्स कि कुछ तो प्रॉब्लम है ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन में। तो आई होप आपने समझा होगा कि पोलराइजेशन इंडेक्स क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर मुझे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किसी ट्रांसफार्मर का करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहले जो भी ट्रांसफार्मर का आईआर टेस्ट करना है उसे ओपन एंड आइसोलेट कर देंगे। फिर ये एक मेगर का किट है, तो यहाँ से मैं 5 kV डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करूंगा। वाई डीसी नॉट एसी, बिकॉज मेरा एसी में मुझे कैपेसिटिव करंट, रजिस्टिव करंट एंड लीकेज करंट, तीनों करंट मिलेंगे, लेकिन मुझे डीसी में सिर्फ मुझे लीकेज करंट ही मिलेंगे, जो कि मुझे एक्चुअल में चाहिए। मुझे कैपेसिटिव करंट एंड इंडक्टिव करंट नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे लीकेज करंट चाहिए इंसुलेशन का हेल्दीनेस चेक करने के लिए। इसलिए हम डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं किट का जो भी मेगर का किट है उसका हेल्दीनेस चेक करूंगा। कैसे करूंगा कि मैं पहले ये जो पॉजिटिव निगेटिव आप देख रहे हैं इसे मैं पहले शॉर्ट कर दूंगा और 100 वोल्ट डीसी इंजेक्ट करूंगा। अगर मेरा इंसुलेशन 0 आया रेजिस्टेंस, देन दिस इज गुड। अगर फिर मैं इसे ओपन कर दूंगा देन फिर मैं 100 वोल्ट डीसी वोल्टेज दूंगा। अगर मेरा इंसुलेशन 13 ओम या इन्फिनिटी आया, अगर ऐसा आ रहा है देन द किट हेल्दीनेस इज गुड। फिर अभी मैं क्या करूंगा, अभी ट्रांसफार्मर का आईआर टेस्ट करना है। तो आईआर टेस्ट मैं 3 फेज में कर सकता हूं। सबसे पहला एलवी टू अर्थ, नेक्स्ट एचवी टू अर्थ एंड उसके बाद एचवी टू एलवी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलवी टू अर्थ अगर मैं आईआर टेस्ट करना चाहता हूं इस ट्रांसफार्मर का तो मैं कैसे करूंगा। तो निगेटिव को मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूं एंड पॉजिटिव को मैं फर्स्ट टर्मिनल ए फेज से मैं कनेक्ट करूंगा। देन फिर मैं 5 वोल्ट डीसी मैं इंजेक्ट करूंगा। फिर मैं चेक करूंगा कि मेरा ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। अगर ये मेरा 110 केवी का ट्रांसफार्मर है देन 100 मेगा ओम से ऊपर अगर आ रहा है मेरा आईआर का वैल्यू, देन मेरा रेजिस्टेंस गुड और हेल्दी है। अगर मेरा उससे कम आ रहा है देन देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इंसुलेशन। लाइकवाइज मैं सेम तरह से मैं ये ग्राउंड कनेक्शन रहेगा, ये सपोज ए फेज बूसिंग है देन मैं बी फेज एंड सी फेज से भी कंटिन्यू करूंगा। तो मैं चेक करूंगा कि मेरा इंसुलेशन क्या है। अगर मैं ए फेज में कर रहा हूं तो मैं कौन सा इंसुलेशन चेक कर रहा हूं, मैं यहाँ पे जो ए फेज में मेरा जो वाइंडिंग दिया हुआ है प्लस मेरा जो बूसिंग का इंसुलेशन है प्लस ऑयल इंसुलेशन है, ये सारे इंसुलेशन पिक्चर में आएंगे अगर मैं एलवी साइड में ए फेज में कर रहा हूं तो। लाइकवाइज अगर मैं बी फेज में करूंगा तो उसके इंसुलेशन आएंगे और सी फेज करूंगा तो सी फेज के इंसुलेशन आएंगे। नेक्स्ट एचवी टू अर्थ हम कैसे करेंगे, तो सेम तरह से एक अर्थ कनेक्शन होगा एंड देन मैं पॉजिटिव को एचवी से कनेक्ट कर दूंगा और फिर मैं 5 केवी डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करूंगा। फिर मैं इंसुलेशन चेक करूंगा। सेम अगर 110 मेगा ओम से ऊपर मेरे इंसुलेशन आए तो मेरा जो भी इंसुलेशन है, जो भी मेरा यहाँ पर जो भी इंसुलेशन है बूसिंग लाइक ऑयल, अगर मेरा 110 मेगा ओम से ज्यादा रेजिस्टेंस आए आईआर का वैल्यू देन दिस इज ओके। तो लाइकवाइज मैं ए फेज बी फेज एंड सी फेज में भी चेक करूंगा। नेक्स्ट मेरा एचवी टू एलवी। अभी एचवी टू एलवी कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एचवी टर्मिनल को शॉर्ट कर दूंगा, देन मैं एलवी टर्मिनल को शॉर्ट करूंगा, देन मैं एक जो निगेटिव सेक्शन है ब्लैक वायर मैं एलवी में लगाऊंगा और मैं जो पॉजिटिव वायर है वो मैं एचवी में लगा दूंगा। देन अगेन मैं 5 केवी डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करूंगा। तो अगर मैं 5 केवी डीसी वोल्टेज इंजेक्ट किया तो फिर मेरा जो इंसुलेशन आया वो कुछ 110 मेगा ओम से अगर आईआर का वैल्यू ज्यादा आया देन मेरा इंसुलेशन हेल्दी है। अगर इस केस में मेरा कौन सा इंसुलेशन चेक हो रहा है, जो ओवरऑल जो इंटरनल इंसुलेशन है ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर के ऑयल या फिर मेरा बूसिंग, वो सभी इंसुलेशन मेरा इस केस में चेक हो जा रहा है ऑल फेजेस का। तो इस तरह से मैं आईआर टेस्ट करता हूं ट्रांसफार्मर का। सो आई होप आप समझे होंगे कि आईआर टेस्ट हम कैसे करते हैं किसी ट्रांसफार्मर का और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।